हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट हिंदी की वर्कशीट लेकर आई हूँ। बच्चों को हिंदी में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करानी है, ये सब मैं इसमें बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सही उत्तर पर सही चिन्ह, सही का चिन्ह लगाइए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? अ, निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर लिखो। जैसे यहाँ पे श प्लस ल प्लस ल ज प्लस म, क्या बन गया ये? शलजम, कटहल, बरगद, पनघट। उसके बाद आता है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे सच्चा का झूठा, वरदान शाप, धीरे तेज, आजाद गुलाम। उसके बाद आता है, शब्दों के बहुवचन लिखिए। जैसे यहां पे लिखा हुआ है तितली, तो तितली का क्या हो जाएगा? तितलियां। कुर्सी, कुर्सियां। लड़की, लड़कियां। सवारी, सवारियां। उसके बाद आता है, परस्पर मेल कीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इधर की तरफ उनकी बोलियां लिखी हैं, तो बच्चों को इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको मैच करेंगे। जैसे कुत्ता, भों भों, बिल्ली, म्याऊ म्याऊ, चिड़िया, ची ची, बंदर, खो खो, बकरी, मैं मैं। उसके बाद आता है, वाक्य समझकर लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है, तो आप भी बच्चों को इस तरीके से दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे को समझ में आए कि वो किस फॉर्म में हमें सेंटेंस लिखना है। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं खेल रहा हूँ। उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। इस तरीके से करा सकते हैं। मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ। उसके बाद आता है, मैं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या बन जाएगा? मैं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलते जुलते शब्दों को मिलाइए। जैसे यहाँ पे कुछ राइमिंग की तरह है ये शब्द। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्यारी, तो प्यारी के साथ क्या मैच हो रहा है? न्यारी। घर, वर। करने, डरने। छुड़ाने, मनाने। तो आप भी इस तरीके से बच्चों को राइमिंग वर्ड्स की तरह दे सकते हैं। उसके बाद आता है, ओ की मात्रा के दो शब्द लिखो। तो यहाँ पे ओ की मात्रा के क्या शब्द हो सकते हैं? जैसे तो यहाँ पे ओ की मात्रा के क्या शब्द हो सकते हैं? जैसे ढोलक, मोहक। उसके बाद अंक की मात्रा के दो शब्द लिखो। तो अंक की मात्रा में क्या आ जाएगा? जैसे
बंदर, अंदर, इस तरीके से आप करा सकते हैं। उसके बाद मेरा विद्यालय के विषय में 5 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों को इस तरीके से जो भी कक्षा में कराया जाता है, मेरा विद्यालय हो गया या मेरा अध्यापक हो गया, तो इस तरह से कुछ भी आप 5 लाइन किसी भी चीज पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने मार्किंग भी की हुई है कि कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स का है, और जैसे ये टोटल मार्क्स का है 40 मार्क्स, तो इस तरीके से आप बच्चों की मार्किंग से उसकी परफॉर्मेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि बच्चे ने कितने आंसर्स किए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 4-4 मार्क्स के लिखे हैं ये, और आगे भी इस तरीके से 4-4 यहाँ पे मार्किंग दी हुई है। जिस तरीके से इससे क्या बेनिफिट होगा कि बच्चे का जब आप इसको चेक करेंगे, करवाकर देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इसके कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।